करनी? बात समझ में नहीं आती, अभी दिमाग दुरुस्त करती। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हें बताया ना कि मैंने तुमसे शादी नहीं करनी। तुम्हारे सर में दिमाग की जगह भूसा भरा हुआ है, जो बात समझ ही नहीं आ रही। बदतमीज फ्रॉडी है बुड्ढे। क्या मतलब है? कौन आप? अयाज तो नहीं बात कर रहे? जी 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 जी, मैं वही। बदतमीज, बद तहजीब और थोड़ा सा ओवर एज्ड अयाज। आई एम सॉरी जी, वो सब कुछ आपके लिए नहीं कहा था मैंने। एक पागल यहाँ पे मेरे पीछे पड़ गया, इतना तंग कर रहा है, मुझे लगा उसी की कॉल है। वेरी सॉरी जी, वेरी सॉरी। अच्छा छोड़ें, आप बताएं कैसे हैं आप? मैं जी उठा हूँ, मेरा मतलब है मैं जी उठा हूँ। अस्मा जी, आपके दो मीठे बोलों ने इस मुर्दे में जान डाल दी। अस्मा जी, हाय अल्लाह, कितनी अच्छी बातें करते हैं ना आप। सच्ची मुच्ची? अस्मा जी, अस्मा जी, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं आते। अस्मा, जब तुम हंस रही हो ना, ऐसा लग रहा है कि बाहर आ रही है। लो जी, मेरे मालनामे में तो एक और निकी का इजाफा हो गया। हाय, दो दिनों को मिलवा दिया मैंने। वैसे दोनों की एक्सपायरी डेट ना बहुत करीब थी, बचत हो गई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। ऐसा लग रहा है कि तूफान आ रहा है। बड़ी खुश नजर आ रही हो, कहां से आ रही हो? कहां से आ रही हो, कहां जा रही हो? इतनी टोका टोकी तो मेरे मियां जी ने भी कभी नहीं की। काश कर लेते, हमारी तो जान छूटती। मैं ना बहस करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मैं वाकई बहुत खुश हूँ। आपको पता है, मैंने ना अयाज मामू और बेबो का रिश्ता तकरीबन पक्का करा दिया। क्या, तुमने बेबो और अयाज मामू का रिश्ता पक्का भी करवा दिया? हाँ, इसमें तो हैरान होने वाली कौन सी बात है भाई। मेरी जहानत तो ना दुनिया मानती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। मैंने as usual भांप लिया और फिर क्या, मोहब्बत की कहानी शुरू। मुझे तो लगता है कि राबेल के साथ साथ मेरी बेबो की भी शादी हो जाएगी। तैयारी कर लीजिएगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं। सबकी मोहब्बत पहचान लेती हूँ, और मेरी मोहब्बत वो तुम्हें दिखाई नहीं देती। बड़ी अजीब किस्म की जहानत है तुम्हारी। शाबाश है मही साहब, आपको भी इस पागल लड़की के साथ ही अटकना था। क्या करें, अब अटक गए, दीवार से सर फोड़ना पड़ेगा।